अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद हो कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज़ आज मैं बना रही हूँ शीर कौरमा। तो शीर कौरमे के लिए मैंने रख दिया था, आपने जैसे देखा मैंने देश में दूध डाल के मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे मैंने डाला था घी और घी के अंदर मैंने डाल दी सेवैयाँ। तो अब ये कि इनको मैं भून रही थी, तो इसके अंदर ये कि शीर कौरमा तो आप लोगों को जैसे मालूम ही है कि उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, बट मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाले क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं पसंद आते स्वीट में। तो इस वजह से मुझे एमियल ने बोला मम्मा नहीं डालना, तो इस वजह से मैंने ना तो बादाम डाला, ना पिस्ता, ना काजू, ना खोपरा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डाली। तो मैंने सिंपल किया। तो बाकी ये कि मैं भून रही थी तो नुमान गए हुए थे, नीचे गए हुए थे सब्ज़ी वगैरह लेने, मसाला वगैरह लेने, क्योंकि नुमान ने तो आज छुट्टी की थी। तो बच्चे सोए हुए थे कमरे में, तो मैंने कहा आप जाओ ले आओ, मैं जब तक ये कर लेती, क्योंकि एमिल कहते हैं मुझे आज लंच में ये देना। तो ये देखिए ये पाकोला मिल्क लाई थी मैं, इससे पाकोला मिल्क इसके अंदर डाला था, ये वाला दूध इस्तेमाल किया है। तो नुमान गए थे लेने सब्ज़ी, ठीक है, तो मैं वो गए हुए थे। तो जब तक मैंने कहा ये मैं बना लेती हूँ एमिल को, क्योंकि लंच में आज ये चाहिए था, कहते मम्मा आज मैं लंच में ये लेके जाऊंगा। तो मैंने बोला चलो उसके उठने से पहले जब तक नाश्ता नहीं बनता मैं ये बना के रख लेती हूँ, ये भी ठंडी हो जाएगा। साथ साथ दूध भी देख रही थी और साथ साथ मैं उसको भी देख रही थी, दोनों काम एक साथ, और वीडियो भी बना रही थी। तो वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी मैनेज कर लिया। ये कि बनाती रही मैं, साथ साथ करती रही, वीडियो भी बनाती रही। मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ थोड़ा शेयर कर लेते हैं ये सब चीज़ें, तो आप लोग को इसका फाइनल लुक जब देखेंगे तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा तो कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, लगी है मेरा शीर कौरमा। तो अभी यहाँ पे ये देखे भून ली थी अच्छे तरीके से, और अब यहाँ पे होने लगा था ये, मैंने थोड़ा हल्की आँच छोड़ दी थी क्योंकि ये डार्क हो, ये दूध बॉयल हो गया। तो ये सेवैयों में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो पानी डाला ताकि थोड़ी सी वो नरम हो जाए। तो बाकी ये कि इसके बाद मैंने दूध इसके अंदर डाल दिया और इसको पकाया अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल पतला तो नहीं पानी जैसा हो सकता था, तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से फिर पकाया थोड़ा थोड़ा थिक हो जाए। तो ये इस तरह से ये पकता रहा बॉयल होने तक के। मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ आंच की थी क्योंकि दूध के अंदर मैंने पानी भी ऐड किया था, अगर मैं दूध सिर्फ रखती तो पानी वो दूध ही मतलब सूख जाता, इसलिए मैंने पानी भी ऐड किया था क्योंकि पानी फिर उसमें से ड्राई हो, दूध ना ड्राई हो। तो इसलिए फिर मैं इसको हिलाती रही थी ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। आपने देख रहे होंगे ये घी जैसे ऊपर आ रहा है, तो घी ये होता है शीर कौरमे का लुक होता है, बट इसमें ड्राई फ्रूट की कमी है, वो मैंने आप लोगों से पहले शेयर कर चुकी हूँ कि वो क्यों मैंने इस तरह से किया था। तो अब ये कि जब ये मैंने फिर यहाँ पे किया था कि मैंने यहाँ पे इसके बाद हिलाती रही चमचा हिलाती रही, मैंने कहा आप लोग देखें कैसे लगता है आप लोगों को। आज ये मैं बना रही तो शेयर कर लेते हैं आप लोगों से। पैकेट वाली तो नहीं मैंने बनाई थी, मैंने वो जो दूसरी सेवैयाँ होती हैं जो पैकेट होता है जिसमें ड्राई फ्रूट नहीं होता, ये वो वाला पैकेट था। तो ये तो सबको ही पता है। तो अब यहाँ पर ये कि मेरी ये हो गई थी और ये मेरा फाइनल लुक। तो ये मैंने फ्रिज में ऊपर डी में रख दिया तो ये जम गया। तो आप लोगों को कैसी लगा मेरा शीर कौरमा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो अभी आगे हमारा फुल व्लॉग आप वॉच करिएगा। तो जब तक कि हम आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। इसके बाद हम गए थे अम्मी के घर पे, तो वो भी आपको मिल ये मटर आलू बना रहे हैं आज। अब मैं नुमान को उठा रही हूँ कि चलो चले वहाँ पे अम्मी लोग के घर, दिखाती हैं ये लोग सोए। ये देखें ये लोग सोए हुए नुमान और एमियल, दोपहर का मतलब 5 बज गए। मैं बोल रही हूँ उठो एबियल, उठो एबियल। ये बहुत नखरे करता है, स्टाइल बहुत मारता है। ये देखें ये आप लोगों को जैसे पता ही स्टाइल बहुत मारता है, ये देखो है ना। तो ये उठो यार चले नुमान, उठो दोनों उठो ना। हेलो जी व्यूअर्स, अभी आप देख रहे होंगे तो मैं आई हूँ अम्मी लोग के घर पर, क्योंकि मैंने बनाए थे मटर आलू और सेवैयाँ बनाई थी, मैं अम्मी लोग के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि अम्मी को मेरे हाथ के मटर आलू बहुत पसंद है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो
अभी तो ना इसी वजह से अम्मी तो आ नहीं पाती हैं आजकल, बिरसा हमारे घर पे होती, अम्मी लोग के घर पे होती है तो अम्मी लोग आ नहीं पाते, तो इसलिए मैं ना इधर ही ले आई हूँ। तो और कुछ, अब मेरे चाचू का फ़ोन आया था, कुछ उनको देनी थी, इनको मैसेज देना था, इसकी वजह से भी आना पड़ा क्योंकि अम्मी लोग का हो गया फ़ोन खराब, तो उसकी वजह से भी मुझे आना पड़ा। अभी मैं दिखाती हूँ, ये मेरी खाला आई हुई है, ये मेरी खाला है, अम्मी की छोटी बहन है, तो ये, और ये देखें अम्मी बैठी हुई है, हाँ अम्मी बैठी हुई है। कल ये लोग आए थे वलीमे पे, तो अभी नौरीन लोग को भी दिखाती हूँ, नौरीन भी अभी जॉब से आई है, ये देखें सही आ रही है, और चाचू खड़े हुए। रात को मैं शादी में गया, बहुत मजा आया। जी तो ये लोग कल गए थे, जैसे मैंने आपको बताया वलीमे पे गए हुए थे, चाची के चाची की भांजे की शादी थी, तो वो आ गए थे। चाची तो खैर हमारी है नहीं, तो बाकी ये कि अभी मिलते हैं कुछ ही देर में आपसे। ये रह गए ये सवैया, अब्बू की खाली लड़ाई हो रही इनकी से। ये देखो ये अम्मी खा रही है। अम्मी कैसी बनी खा के बताओ। ए, ये देखो अम्मी बहन के वो रोटी दो मुझे थोड़ी। कैसी बनी है आंटी ने भी खाई है, आंटी बताओ। बहुत टेस्टी बनी है, है? बहुत सही। व्यूअर्स तो ये देखें ये एबियल क्या कार्टून देख रहे हैं, और ये नुमान बना रहे हैं चाय, और ब्रेड फ्राई किए इन्होंने, तो अभी दिखाती हूँ। इन्होंने अभी चिकन साफ़ किया, अभी तक मुझे चिकन साफ़ करना नहीं आता, मेरी शादी को हो चुके 10 साल, मुझे चिकन साफ़ करने नहीं आती। ये इन्होंने अभी ब्रेड फ्राई किए और ये चाय बन रही है। तो कल हम बनाएंगे क्या, हाँ। और ये देखा है इनकी आंख पे ना नील पड़ा हुआ है, हुई नुमान इधर दिखाएं आंख बंद करें, ये देखो हुई कितनी बुरी लग रही है, ऐसे लग रहा है आपको ना लाइनर लगाया पर्पल कलर का। अब 2-3 दिन इन्होंने मतलब छुट्टी 3 दिन से हो रही है, अब रेस्ट इनको अच्छा सा मिला है, क्योंकि एबियल भी मतलब दोपहर को सोए और ज़्यादा बच्चे ही तंग करते हैं, तो सोने से इनको ये फ़ायदा हुआ, रेस्ट अच्छे से किया है ना इन्होंने, तो इनको दर्द वगैरह ख़त्म हुए, क्योंकि फीवर भी साथ हो रहा था, है ना। तो अभी हम पीने लगे हैं चाय, आजकल बहुत करने लगे हैं बड़ी बातें, है ना, ये बहुत बड़ी बातें करने लगे, मेरा बेटा बहुत समझदार सा हो गया, मेरी जान है ना, ये बातें इतनी अच्छी करने लगी है, मैं तो हैरान हो गई, समझदार हो गया। इसके मामू सब बोलते हैं कि एमिल इतना अच्छा हो गया, दिखाओ एमिल, बस आपके बारे सब इतना कमेंट कर रहे हैं कि एमिल इतना अच्छा बच्चा हो गया, जैसे बचपन में था ना सेम वैसा ही हो गया। मैंने कहा अच्छा, आसिमा नानो भी आई थी, वो आपका पूछ रही थी कि एमिल का है, वो कायद बारे शरारती बच्चे शैतान बच्चे का है, तो मैंने बोला वो तो स्कूल गया हुआ, फिर मैंने आपकी टाइमिंग सारी बताई, तो मैंने कह रही अच्छा तो वो तो बिज़ी हो गया बहुत ज़्यादा, मैं कहा जी बिज़ी है बहुत ज़्यादा, सही कह रहा मैंने एमिल। तो सीमा नानो को हाय बोलो। और ये आ गई हमारी चाय, अभी हमारी चाय का टाइम है, और ये मेरा बेटा खुद से, मैं हैरान हूँ, ये 3 साल का बच्चा और खुद से लैपटॉप ऑन करके कार्टून वगैरह देख रहा है, तो हैरान है, मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी। अभी इसने खुद ही वो शॉर्ट स्क्रीन करी है, खुद से ही सब कुछ ऑन कर, मैं और नुमान इसको देख रहे हैरान हो गए हम दोनों कि मतलब इतना छोटा, और लगा लिया इसने ना, तो मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे वीडियो इवेंट के बनानी चाहिए थी लेकिन मैंने बनाई नहीं, बट चलो खैर। और ये देखें अभी हम चाय पी रहे हैं, अभी उसके बाद हम सोएंगे, फिर सुबह जाएंगे नुमान जॉब पे, है ना नुमान, जाएंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ? थैंक यू व्यूअर्स, जी व्यूअर्स। तो हम लोग चले गए थे अम्मी लोग के घर से, आने के बाद हम गए
एमियन को ट्यूशन से लेने गए, वहाँ से लेकर आए और उसके बाद मैंने आके रोटी बनाई, खाना वाना खाया। तो खाना मैंने आपसे बताया है, मैंने मटर आलू बनाए थे, अब वो हमारे घर में बनते ही रहेंगे क्योंकि अब ये सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना, यही सब्जी बनेगी हमारे घर। मटर आलू गाजर, मटर आलू मेथी, मटर आलू गाजर मेथी, इसी तरह के यही खाने बनते रहेंगे, है ना नुमान? क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो यही बनता रहेगा। तो बाकी ये कि एक आध दफ़ा साग भी बन ही गया। क्या साग भी शायद इस दफ़ा बन ही गया, इस दफ़ा शायद इस दफ़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो बारिश की वजह से हालात रहे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि साग आए। पिछली बार तो हमने साग बनाया था, अम्मी लोग के घर पे बनवाया था क्योंकि हमारे यहाँ पे गैस ही नहीं आती सर्दी में, बिल्कुल सारा दिन गैस नहीं आती, रात को आती 11:30-12 बजे, तो उस टाइम पे मैं जो भी खाना होता है फटाफट बना के रख देती हूँ, तो फिर हम वही खाते हैं। फिर दूसरे दिन इस तरह से मैं एक दिन पहले ही रात को खाना बना लेती हूँ। तो पिछली बार अम्मी ने मुझे साग बना के दिया था, उनको मैंने बोला था अपने घर पे ही बनाओ, तो फिर उन्होंने काट के खुद बना के हमें दे दिया। फिर ये हमने साग के पैसे ऐसे दे दिए क्योंकि ज़्यादा इतना मैं वो था, तो मैंने उनको पैसे दिए, फिर मैं अपना सालन ले आई। तो बाकी ये कि हमारा आज के व्लॉग यहीं तक है, आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है और क्या कहते हैं हमारे ज़रूर बताइएगा, हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।